उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे बयानों के इस युद्ध की जो सीएम पीएम और राष्ट्रपति बनने की चुनौती तक पहुंच चुका है। विधानसभा चुनाव में जहां सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच चल रहा था, वहीं परिणाम सामने आने के बाद सियासत में नया युद्ध सपा और बसपा के प्रमुखों के बीच छड़ा है और चुनौतियां हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक की। इन सब के बीच बीजेपी के सारे जरूर एक दूसरे पर दोनों दल निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मौज है क्योंकि विपक्षी आपस में भिड़े हुए हैं। सवाल यही है कि बयानों की ये लड़ाई कहां तक जाएगी और नफा नुकसान क्या और कैसे होगा। यूपी की सियासत में जारी है बयानों वाला बवाल। सपा बनाम बसपा की लड़ाई, नेता गुस्से में लाल। विधानसभा से शुरू हुई नेताओं की लड़ाई, अब सीएम पीएम और राष्ट्रपति पर आई। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को, अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कौन है किसकी टीम ए, कौन है किसकी टीम बी? बीजेपी बहाना, एक दूसरे पर निशाना। सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने, वह आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अरमान। बयानों का तूफान, सियासत में घमासान। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। सपा बसपा आमने सामने, भाजपा की मौज। यूपी में बयानों का हाई वोल्टेज ड्रामा। सियासत में वार पलटवार वाला तराना। उत्तर मध्य प्रदेश